मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश की राजनीति में पहली बार हुआ है जब गद्दारी करने वालों को घृणा की जगह पुरस्कार मिला है। भाजपा पर हमलावर होते हुए राठौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मूल धारा से भटक गई है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा वफादार और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी कर उन्हें अपमानित किया है, जबकि गद्दार और स्वार्थी तत्वों को मंत्रिमंडल में स्थान देकर सम्मानित किया गया है। जो कल तक भाजपा को गाली देकर कोसते थे, आज उन्हीं की पार्टी द्वारा ताजपोशी कर देने से भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता व्यथित हैं। राठौर की माने तो 100 दिन के बाद कांग्रेस के दबाव के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सका और वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान न दिए जाने पर उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। फैजाबाद शिवराज कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत लंबे इंतजार के बाद, 100 दिन का आंकड़ा पार करने के बाद, और कांग्रेस ने बार बार छेड़ा और जनता भी अब कहने लगी थी कि मंत्रिमंडल बनना भी है कि नहीं बनना है, तब आके दबाव में इस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। जो भी मंत्री बने हैं, मैं अपनी तरफ से उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन ये ज़रूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश में एक नए इतिहास का निर्माण हुआ है। अभी तक जो विश्वासघात करने वाले लोग होते थे, धोखा करने वाले लोग होते थे, लालच में आने वाले लोग होते थे, उनसे एक लोग घृणा का भाव रखते थे, लेकिन शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आज सामने आ गया कि ऐसे लोगों को ही मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया, जो मध्य प्रदेश के लोग आश्चर्यजनक तरीके से इस बात को देख रहे हैं। ये कौन सी नई परंपरा का निर्वाह है, ये लोग जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है मंत्रिमंडल का गठन करना, लेकिन मुख्यमंत्री जी के ही शब्द हैं कि जो है शिव को विष पीना पड़ता है। हालांकि जिन शिव जी के बारे में उन्होंने कहा है, वो शिव विष पिया था दुनिया के कल्याण के लिए, प्रकृति और संसार के कल्याण के लिए। इन शिव ने विष पिया है विश्वासघातियों को मंत्री बनाने के लिए, और ये अपने आप में इस बात से प्रमाणित होता है उनके शब्दों से कि ये कुल मिला जुला कर बहुत ही निराशा का, हताशा का और मुख्यमंत्री जी के असहाय होने का प्रमाण इस मंत्रिमंडल से मिलता है। लेकिन जो बना, मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से ये काम करें, और अपनी तरफ से मैं उन्हें सबको बधाई देता हूं। भाजपा के पूर्व मंत्री की वजह से हम लोग मंत्री नहीं बन सके, अब ये तो उनको जब शामिल कर रहे थे उस वक्त सबको बड़ा आनंद आ रहा था, और अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तो खत्म हो गई, क्योंकि जिस विचारधारा को लगे थे और उस जिस विचारधारा के लोग जीवन भर संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे थे, उसमें अकेले दो चार लोग नहीं, ऐसे बहुत सारे पूर्व मंत्री और विधायक हैं जिनकी वरिष्ठता का भी ध्यान नहीं रखा गया, जिनकी सेवाओं का भी ध्यान नहीं रखा गया, जिनके सिद्धांतों का भी ध्यान नहीं रखा गया, और सारे सिद्धांतों की तिलांजलि देकर केवल मतलब और स्वार्थ और लालच में नए मंत्रिमंडल में नए नए लोगों को शामिल कर दिया गया। तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आप देखते जाओ क्या क्या होने वाला है, और जो लोग जिनके हक मारे गए हैं वो बहुत आसानी से चुप जरूर रहेंगे, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।